रवीना टंडन जी की पहली मूवी 1991 में आई थी पत्थर के फूल। इसमें सलमान खान, रवीना टंडन, किरण कुमार और रीमा लागू ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी जीना मरना तेरे संग। इसमें संजय दत्त, रवीना टंडन, जावेद जाफरी और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी पहला नशा। इसमें दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट, रवीना टंडन और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी दिव्य शक्ति। इसमें अजय देवगन, रवीना टंडन और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी क्षत्रिय। इसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल, रवीना टंडन, मीनाक्षी सेशाद्री और दिव्या भारती ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी परंपरा। इसमें सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, नीनम, रवीना टंडन, अश्विनी भावे और रम्या कृष्णा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी एक ही रास्ता। इसमें अजय देवगन, रवीना टंडन, राजा मुराद और सैयद जाफरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी जमाने से क्या डरना। इसमें संजय दत्त, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, राजा मुराद और जॉनी लीवर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी दिलवाले। इसमें अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी इंसानियत। इसमें अमिताभ बच्चन, सनी देओल, चंकी पांडे, जया प्रदा, रवीना टंडन, सोनम, विनोद मेहरा और नूतन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी इम्तिहान। इसमें सैफ अली खान, रवीना टंडन और सनी देओल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी लाडला। इसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर, रवीना टंडन, अनुपम खेर और फरीदा जलाल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी अंदाज अपना अपना। इसमें आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी आतिश। इसमें संजय दत्त, आदित्य पंचोली, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी मोहरा। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इसमें रवीना टंडन जी ने कैमियो अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 1994 में आई थी साधु। इसमें अर्जुन, रवीना टंडन और विजय कुमार ने अभिनय किया था। यह एक तमिल भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 1995 में आई थी तकदीर वाला। इसमें वेंकटेश, रवीना टंडन, असरानी, कादर खान, अनुपम खेर और शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी जमाना दीवाना। इसमें शाहरुख खान, रवीना टंडन, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी साजन की बाहों में। इसमें ऋषि कपूर, रवीना टंडन और तब्बू ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी विजेता। इसमें संजय दत्त, रवीना टंडन, परेश रावल और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इसमें रेखा, अक्षय कुमार, रवीना टंडन और गुलशन ग्रोवर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी जिद्दी। इसमें सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर और राज बब्बर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी दावा। इसमें नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, रवीना टंडन और अक्षय आनंद ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी दीवाना मस्ताना। इसमें रवीना टंडन जी ने कैमियो अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 1997 में आई थी गुलाम-ए-मुस्तफा। इसमें नाना पाटेकर, रवीना टंडन, परेश रावल और अरुणा ईरानी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी विनाशक। इसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी कीमत। इसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रवीना टंडन और सोनाली बेंद्रे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी सलाखें। इसमें सनी देओल, रवीना टंडन, अमरीश पुरी और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी आंटी नंबर वन। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन, हरीश कुमार और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी घर वाली बाहर वाली। इसमें अनिल कपूर, रवीना टंडन और रंभा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी दूल्हे राजा। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और जॉनी लीवर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी बारूद। इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अमरीश पुरी और राखी ने अभिनय किया था।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसमें गोविंदा अमिताभ बच्चन, रम्या कृष्णन, रवीना टंडन, परेश रावल और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी परदेसी बाबू। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी अनारी नंबर वन। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन, सिमरन और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी जय हिंद। इसमें ऋषि कपूर, शिल्पा शिरोडकर, मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, प्राण और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी राजा जी। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन, सतीश कौशिक, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी शूल। इसमें मनोज वाजपेयी, रवीना टंडन और राजपाल यादव ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी गैर। इसमें अजय देवगन, रवीना टंडन, रीना राय, अमरीश पुरी और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी तूने मेरा दिल ले लिया। इसमें रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह, राहुल राय और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी जंग। इसमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अजित पंचोली, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी बुलंदी। इसमें अनिल कपूर, रजनीकांत, रेखा और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी खौफ। इसमें रवीना टंडन जी ने कैमियो किया था। अगली फिल्म 2000 में आई थी कहीं प्यार ना हो जाए। इसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी घाट। इसमें रवीना टंडन जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 2001 में आई थी दमन। इसमें रवीना टंडन, सयाजी शिंदे, संजय सूरी और रहमा सेन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी अक्स। इसमें अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन, मनोज वाजपेयी और नंदिता दास ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी अभय। इसमें कमल हसन, रवीना टंडन और मनीषा कोइराला ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी ऑफिसर। इसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी अखियों से गोली मारे। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी सोच। इसमें संजय कपूर, रवीना टंडन और अरबाज खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी वाह तेरा क्या कहना। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन और प्रीति झिंगानिया ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी अग्नि वर्षा। इसमें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, नागार्जुन और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी एक हिंदुस्तानी। इसमें सुनील शेट्टी और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी सत्ता। इसमें रवीना टंडन, अतुल कुलकर्णी और विपिन शर्मा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी प्राण जाए पर शान ना जाए। इसमें अमन वर्मा, रिकी खन्ना, दिया मिर्जा और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी स्टंप। इसमें अली खान और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी एलओसी कारगिल। इसमें संजय दत्त, अजय देवगन, नागार्जुन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी जागो। इसमें मनोज वाजपेयी, संजय कपूर और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी ये लंबे जुदाई के। इसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी पुलिस फोर्स। इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अमरीश पुरी, मोहन जोशी और राज बब्बर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी आन। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, परेश रावल, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन और लारा दत्ता ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी एक से बढ़कर एक। इसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, शेखर सुमन और ईशा कोप्पिकर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2004 में आई थी दोबारा। इसमें जैकी श्रॉफ, महिमा चौधरी और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2005 में आई थी पहचान। इसमें रवीना टंडन, रति अग्निहोत्री, विनोद खन्ना और सुधांशु पांडे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी सैंड बीच। इसमें गोविंदा, रवीना टंडन और महिमा चौधरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2011 में आई थी बुढ़ा होगा तेरा बाप। इसमें रवीना टंडन जी ने कैमियो अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म
2015 में आई थी बॉम्बे वेलवेट, इसमें रमीना टंडन जी ने कैमियो अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 2015 में आई थी दो चेहरे, इसमें सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, रमीना टंडन और कृष्णा अभिषेक ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2017 में आई थी मातृ, इसमें रमीना टंडन, अलीशा खान और माधुरी मित्तल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2017 में आई थी सब, इसमें रमीना टंडन, अपिता चटर्जी और गौरव नंदा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2019 में आई थी खानदानी सफा खाना, इसमें रमीना टंडन जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 2022 में आई थी KGF चैप्टर 2, इसमें यह संजय दत्त, रमीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज ने अभिनय किया था। यह एक कन्नड़ भाषा की मूवी है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। रमीना टंडन जी की अब तक की फिल्मी सफर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।